राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले की तहसील है पीलीबंगा, और पीलीबंगा के आसे पासे कई गांव है जिके एक सिंगल रोड है जिके ऊपर थिराजवाड़ा और घासर और थिराजवाड़ा गांव है। बिंगे बीच में एक बालाजी को मंदिर बनेडो है और वो काफी पुराना मंदिर है। किया बनेडो है के बिंगो इतिहास रेडो है। अठेगा जी का पुजारी है, वो अपन बातचीत करांगा। तो पुजारी जी थारो पूरा नाम बताओ। मेरो नाम ऋषपाल सारसुरा, कुआ वाली ढाणी, गांव कुआ वाली ढाणी है। और जी को मंदिर बनेडो है, मैं पूजा पाठ करता हूं। धन कितो टाइम हो गयो? 19 साल हो गया है। 19 साल हो गया। ये मंदिर के बारे में क्या जानकारी रखो? मंदिर है जी को किया बनियो के कारण रहे हो? ओ मंदिर बनियो थिराज वाले मतलब टेंट लगाऊं था भोजन पानी नाश्ता खातर पैदल यात्रियों वास्ते। तो अठे कई बार लूट लिया, एक दो आने लूट लिया ना बच्चों थ्रा टेंट तक के और अठा लगायो। अठा लगा के फिर गाँव गाँव लिखवी सरगा दाबांगा लखा सरगा इकट्ठा हो गए। बोले अच्छा अपने फोटो मंदिरी लगा दो बना दो नींव लगा दो। जमीन के बारे में पूछो फिर जमीन आ जमीन दे दी श्री लेख राम जी सिंह बंगा लड़का राम कुमार जी और सुभाष जी वहाँ मिल गए जमीन दे दी आपके थे अदोपूर्ण जी को जमीन। तो ये छोटे मंदिर की नींव लगा दी। फिर बाद में पीसो काफी और जो लोग तंदो करो पीसो जो बड़ो मंदिर नींव लगा दी सन 2003 में कार्तिक बुद्धि छठ की। ये मंदिर पर वर्ष भर के अंदर के कार्यक्रम रहा है? ये मैं मतलब 15 दिन तो ताले लंगर आठ रोज के अंदर एक मुँह ले गए और पूर्णिमा तक बाद में जागरण लागे और फिर चेत में फिर जागरण लगावा। आप मतलब मुहूर्ता के बाद में पूर्णिमासी को जागरण लगावा। दो जागरण लागे बिया तो बिया कोई सलाह करके लगा लिया तो वो अलग मुँह है। दो तो पक्का जागरण है। 15 दिन लंगर चाल है एक मुँह ले गए और पूर्णिमा तक। बालाजी की प्रति जी की जिका श्रद्धालु है बे आस्था रखे तो बे किसक से सेक्टर घाट है ज्यादातर आवा है? अच्छा पी बंगा ले गए सूरत के डुगुने ने पूरे एरिया का गोलू वाला आई ने पदमपुर राइस नगर तक का लोग आवे थे। यहाँ शनिवार मंगल पूर्णिमासी अब शनिवार का और भी ज्यादा आने लाइया कोई तागा है तबीत है तंती है भी खातर दूर दूर आवे लोग। अच्छी कृपा है बाबा जी फायदो भी हुए लोगों में। यहाँ भी थे मन्नत मान के मत्थो टेक दे और नारियल बांध दे अपनी इच्छा अनुसार तो भी इच्छा पूर्ण हुए। नाम बताओ? बप्पी राज गोदारा। गांव की सुधारो लखा सर चक नोएल के। और जी को बालाजी को मंदिर बने डोएंगे बारे में क्या जानकारी रखो बा बताओ? जानकारी तो पुजारी जी बताई है मोटी मोटी तो। और बिहार से 2003 के अंदर चेत में यात्री लूटी जी क्या कोई पीछे तो बन अठ किरायो बाड़ो बर्तन बांधेगा कोई 10 रुपया कार्यकर्ता या सेवादार जी अभी दी है। और बिंगे बाद में की है जिया अठे सेवा है और है जिया यात्रियों के लंगर खातर चालू कर दी भी यात्री आगे के लिए ना लूटी जाए तो 10 रुपया बचने माखर के जागन की व्यवस्था करी गई। तो जागन में आगे के बोली कि मंदिर खातर दान तो दान तो देनिया दे दियो पर अरे जगह को नहीं जगह ना होने की वजह मंदिर बनावा तो बनावा कटे। तो चार गांव उधर साथ में ने बुलाया तो वह जिया बुलाया कि पीला चावल दे दे के बुलाया तो बंग है माँ बुजुर्ग लोग आ सोची भी तू मींग है दान बड़ो कोई दान को नहीं तो वो जो 82x82 को दान है वो थिराज वाला हूँ लेख राम जी सीमर बांध दियो है और इनके बीच में 22x182 फुट गोपीराम जी सिंह दियो तो बीच जाके आ जगह बनो 2003 में नींव लागी और आज वह भव्य बिल्डिंग चालू लाग रही है। आज हरियाणा तक का यात्री आने लाग रहे हैं। बाबू अच्छी जोड़ी भर लाग रही है अपार माया है। तो इनके बारे में आई कहना चाहवा मैं तो राज लगभग 19 हूँ देख लियो आज 24 ताई तो इतना वर्ष की अच्छी सेवा चाले है। बाबे की अटल ज्योति चाले है। अब अटल ज्योति चाले पीछे कोई चोरी होगी तो चोर ने तो कोई बाबा की मूर्ति हूँ जो तू कोई मतलब को नहीं तो वह जूता समेत पहुंच गया तो अठे सेवादारांगी और पुजारियांगी देखने लांगी और सोच सारांगी बदलगी किसी जूता समेत गया है तो ज्योति खंडित होगी। तो बिन ने खंडित समझ गया और पीछे अपने आसोस के अंदर ज्योति साला सरू यही ले आगे जुकी ज्योति आज अखंड चालन लाग रही है। तो श्रद्धालु आवे है बांगी मनोकामना पूर्ण हो जी जी, जी बहुत अच्छा बहुत अच्छी सर धन्यवाद।